मैं अपने हृदय में का माहौल बता रहा था, चला आसानी हो गई। आर्मी का और ड्रेस का मैं सर मिला के देखो रोजाना एक बार, अगर दाएं कदम का नहीं है तो मैं को पढ़ने के लिए बाएं कदम में नहीं होता सुन निकल है आपने तो करना हो मैं कर दोबारा दसा हो गया। तो हर्निया के आपके बहुत सारे केस निकल जाएंगे इससे, और अगर नक्स उमेका से फायदा नहीं हो रहा तो फिर काकुलस पे आ जाए। ये चार पांच दवाइयां हैं, और साथ कभी कभार अगर मियाज़म दे दें तो मजीद आसानी हो जाएगी, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। प्रोस्टेट के हवाले से ये रोजमर्रा की प्रैक्टिस की बात है, मरीज ने आपके पास होना, सिम्टम आपने लेनी है। मैं तो आसानी के लिए रास्ता बता रहा हूँ, थूजा दे दें वन में, हफ्ते में एक खुराक, डॉक्टर साहब सामने आइए। अगर डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी का केस हो तो कास्टिकम दे देना, बेशक वन में दे दें, 200 में डेली दे दें तो बड़ी आसानी रहेगी। डॉक्टर साहब आप, अगर डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी का केस हो तो यहाँ कास्टिकम नहीं लगेगी, लग भी सकती है लेकिन अक्सर नहीं लगेगी। और डॉक्टर साहब आप आएंगे, अगर डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी का केस हो तो लाइकोपोडियम को नजरअंदाज नहीं करना, लाइकोपोडियम को नजरअंदाज नहीं करना। तारक बलोच साहब आ जाए तो फिर आपने लाइकोपोडियम की तरफ ध्यान देना है। और डॉक्टर साहब उमर फरूख शेख साहब हो तो कास्टिकम पे तवज्जो देनी है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इन पे गौर करें तो बड़ी आसानी हो जाती है प्रैक्टिस में। दूसरे लफ्जों में अगर मैं वजाहत कर दूं, जसीम लोगों की तरफ आएंगे तो लाइको की तरफ सफर करेंगे, अगर तीखे नकोश की तरफ आएंगे बाल सफेद होंगे अक्सर तो कास्टिकम की तरफ आएंगे। और ये बड़ी आसानी वाली, जिस तरह डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब आप खड़े हो जाएंगे, डॉक्टर साहब अगर प्रोस्टेट के वाले से आएंगे तो इनको भी कास्टिकम ही देना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब सिम्टम पे आते हैं, मरीज वीएनजीएल पे लेके आए हैं आपके पास तो आपको फौरन कोनियम की तरफ सोचना चाहिए। टांगे कमजोर हैं, अब चक्कर का पूछ लें, पेशाब बंद है तो कोनियम, कोनियम में क्या होगा, मरीज चल नहीं सकेगा ना, टांगे कमजोर होगी। अगर मरीज चलते हुए लड़खड़ाता है उसे चक्कर आते हैं, चलते हुए चक्कर आना ब्रैडाकार में पाया जाएगा, और लेटे हुए करवट लेने से चक्कर आना कोनियम में पाया जाएगा। दोनों प्रोस्टेट की दवाइयां हैं। पेशाब बिल्कुल ही बंद है, प्रेरा ब्रेवा, पेशाब बंद है, टांगों पर सोजन है सॉलिडोगो, और सेबल 30 में और फेरम पिक्रिकम 30 में अगर दे दें सुबह दोपहर शाम तो आपके बहुत सारे केस ठीक हो जाएंगे। कोई मुश्किल तो नहीं है ना प्रोस्टेट में, ये चार पांच छह दवाइयां हैं, और यकीन जानिए इससे केस बाहर नहीं जाता। हाँ, पेशाब की धार अगर बारीक है तो क्लेबेटस, पेशाब की धार बनती नहीं है सीधा अमूदी नीचे गिरता है, मरीज को सर्दी लगती तो है पर्सल। अगर आप ये चंद दवाइयां याद कर लें तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। प्रोस्टेट मरीज को कहते हैं 6-7 माह लगेंगे, ऑपरेशन नहीं होगा। मरीज प्रोस्टेट का कैंसर की तरफ चला गया है, पेशाब में खून आ रहा है, कपसीला बुरसा, 200 में रोजाना खुराक दे दें या 30 में सुबह दोपहर शाम दे दें, साथ कारसी लगा दें, सिम्टम पे जो भी है वो दे दें, ये केस मिस नहीं होगा आपका। प्रोस्टेट और हर्निया ये दो, तीसरा आप बताएं,